हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 6। क्लास हमारी 10th है, सब्जेक्ट इंग्लिश है और डेट है 20 जुलाई। आज हम करने वाले हैं डिटरमिनर्स करने वाले हैं। इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट द यूजेज ऑफ डिटरमिनर। डिटरमिनेंट कैसे यूज़ करते हैं, और डिटरमिनर्स में इन्होंने हमें मच और मैनी ये दोनों दिए हैं आज। यूज़ ऑफ सम एंड एनी वर डन इन प्रीवियस वर्कशीट। पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था, सम और एनी, जो हमारे कंप्लीट हो गए। द जनरल रूल इज मच इज यूज विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। मच कब यूज होता है, जब सिंगुलर हो और अनकाउंटेबल हो, जिसे हम नहीं गिन सकते। एंड मैनी इज यूज विद प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन। मैनी कब, जब वो प्लूरल हो, काउंटेबल हो, ठीक है, तब हम मैनी यूज़ करते हैं। फर्दर लेट अस लुक एट द टेबल गिवन बिलो। अब हमें ये टेबल देखनी है जो इन्होंने हमें दी है। सो डिटरमिनर्स, यहाँ पे हमें दिया है डिटरमिनर्स, बराबर में हमें दिए यूसेज और फिर दिए हैं एग्जांपल, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने हमें दिया है मैनी। मैनी क्या होता है, काउंटेबल, जो कि क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है, जिसका क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल और प्लूरल की बात करें, शी हैज़ मैनी शूज़, तो शूज़ की बात हो रही, शूज़ हम काउंट कर सकते हैं, और शूज़ यानी कि बहुत सारे हैं, तभी इसलिए हमने मैनी लगाया है, ठीक है। माय स्कूल लाइब्रेरी हैज़ मैनी स्टोरी बुक। मेरी स्कूल की लाइब्रेरी में बहुत सारी क्या है, स्टोरी बुक है। नेगेटिव में, हैवंट दे सोल्ड माय मैनी लॉटरी टिकट्स। वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारी जो लॉटरी की टिकट्स हैं नहीं दे रहा, ठीक है। अब अनकाउंटेबल और सिंगुलर में देखें, इट वॉज रेनिंग बट देर वॉजंट मच विंड। बारिश तो हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, जो हवा है वो नहीं चल रही, ठीक है। अब पढ़ते हैं मच, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। वी हैड सो मच फन, हम कितने मजे कर रहे हैं ना। वी डिडेंट अर्न मच प्रॉफिट दिस ईयर, हमने इस साल क्या करा, प्रॉफिट अर्न नहीं किया, ठीक है। अब ऐसे ही हमें कैन बी यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये हम कब यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंड एडवर्ब टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन, एक स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन बनाने के लिए। आई फील मच बेटर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नाउ, अब। आई नो आई एम रिकवरिंग, और मुझे पता है मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक है। सो ये हमारे मैनी की यूजेस पता चल गए हमें। चलिए अब हम कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज। हमसे बोला गया है फिलअप में मच और मैनी फिल करना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है देयर इज मच, इसमें आएगा मच कंसर्न अबाउट COVID-19 वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, COVID-19 वैक्सीनेशन का बारे में बात हो रही है, मतलब बहुत सारे कंसर्न कर रहे हैं सब, ठीक है। सेकंड, आई डोंट हैव मच वर्क, ठीक है, टू डू ड्यू टू लॉकडाउन, ठीक है। अब थर्ड, देयर वर मैनी पीपल्स, जब भी पीपल्स होंगे तो मैनी आएगा, क्यों, पीपल्स को हम काउंट कर सकते हैं। एट द शॉपिंग मॉल, कहाँ पर, शॉपिंग मॉल में, ठीक है। फोर्थ है हमारा हाउ मच, ठीक है, कितनी शुगर आप लेंगे, कंज्यूम इन अ डे, कितनी शुगर आप लेते हैं एक दिन में, ठीक है। फिर है दे स्पेंड मच टाइम, इसमें भी हमारा क्या आएगा, मच टाइम प्लेइंग ऑनलाइन गेम खेलने में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। रीमा डजंट रिसीव, रीमा ने क्या रिसीव नहीं किया, मैनी ईमेल्स, बहुत सारे ईमेल्स नाउ अ डे, ठीक है आज। फिर है वी हैव सीन मैनी यूनिक, तो इसमें भी हमारे क्या आएगा, मैनी यूनिक थिंग्स, बहुत सारी यूनिक थिंग एट द साइंस एग्जीबिशन में, ठीक है, हमने बहुत सारी अलग चीज़ें देखी। एट्थ, रमेश हैज़ विजिटेड मैनी सिटीज़ इन इंडिया, रमेश की जो है घूमने गए थे बहुत सारी सिटीज़ में इंडिया में, ठीक है, सिटीज़ हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नाइन्थ, हाउ मैनी फ्रूट्स, कितने फ्रूट्स आर देयर ऑन द टेबल, टेबल पर हैं।
टेंथ देयर आर मैनी पीपल, फिर से पीपल है तो ये तो आपको पता ही है पीपल के आगे हमेशा मैनी होता है। हु हैव नेवर टच कंप्यूटर इन देयर, क्या आएगा इसमें, लिव्स, तो इसमें हमने बता चुके इसमें हमारा आएगा मैनी। ठीक है, फिर है हमारा इलेवेंथ, तो इलेवेंथ में हमसे पूछा है रोहन ऑर्डर्ड टू मच फूड, उसने बहुत फूड क्या किया है ऑर्डर किया, शी शेयर्ड सम ऑफ इट विद हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने के लिए। अगर यहाँ पर रोटी की बात हो रही होती दो चार छः हम गिन सकते थे तो हम मैनी लिखते, बट फूड, फूड में दाल हो सकती है, सब्जी हो सकती है, हमें उसकी क्वांटिटी नहीं पता। क्योंकि ट्वेल्थ में देयर इजंट, तो इसमें क्या आएगा हमारा मच, देयर इजंट मच आइस लेफ्ट इन द आइस बॉक्स, आइस बॉक्स में ज़्यादा आइस मतलब आइस नहीं बची है। ठीक है, थर्टीन, थर्टीन में क्या आएगा हमारा मैनी, फिर से पीपल है तो मैनी, मैनी पीपल आर माइग्रेटेड टू देयर नेटिव प्लेसेस दिस ईयर। ठीक है, देन फोर्टीन वी डोंट हैव, तो इसमें क्या आएगा मच इंफॉर्मेशन, हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट रीओपनिंग ऑफ स्कूल, स्कूल खुलने की। ठीक है, फिर आता है 15, ही हैज़ वॉन मैनी प्राइजेज, बहुत सारे प्राइजेज इन ऐसे कॉम्पिटिशन में क्या करें जीते हैं, तो प्राइजेज हम गिन सकते हैं, तो इसमें हमने मैनी फिल किया। ठीक है, सो यही थी हमारी आज की वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट नंबर 6, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।